सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, आपके चैनल पर स्टार्ट हो रही है एक नई सीरीज जिसका नाम है टेक इन डेप्थ। अब टेक इन डेप्थ में हम क्या करने वाले हैं, एवरी एपिसोड टेक इन डेप्थ के हम पकड़ने वाले हैं एक डिवाइस के बारे में और उसके बारे में डिटेल में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। होता क्या है दोस्तों कि कई बार हम जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर इतने सारे इवेंट्स होते हैं, इतने सारे लॉन्चेस होते हैं कि सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज हमारे को मिल पाती है कि अगर कोई फ़ोन लॉन्च हुआ है तो उसके अंदर इतना कैमरा मेगापिक्सल का है, इसका प्रोसेसर इतना है, बैटरी बैकअप इतना मिल जाएगा, चार्जिंग जो है फास्ट चार्जिंग है कि नहीं है, डिस्प्ले कैसा है। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि उसके डिटेल में अगर हम जाते हैं तो हमारे को कुछ काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कैमरा मेगापिक्सल के ऊपर नहीं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से स्टोरेज की जो क्वालिटी है वो कैसी है, बैटरी की जो क्वालिटी है वो कैसी है, फास्ट चार्जिंग होने के बावजूद कितनी देर में वो चार्ज कर रहा है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग के अंदर भी काफ़ी सारे वेरियंट्स आ जाते हैं, और क्या ये प्रोडक्ट जो है अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, वो सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करने के बाद हम इस चीज़ को देखते हैं। तो टेक इन डेप्थ की जो सीरीज है उसके अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं किसी भी डिवाइस के बारे में। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं एक मोबाइल ले लेता हूं तो मोबाइल के अंदर हम डिस्प्ले को देखेंगे, डिस्प्ले किस क्वालिटी का है और किस तरीके का आपको उसके अंदर फीचर मिल सकता है। जैसे मान लीजिए वो LCD है, LED पैनल है, या फिर आपको उसके अंदर AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं पिक्सल्स के हिसाब से और पिक्सल पर इंच के हिसाब से। दूसरी अगर बात करते हैं तो कैसा उसका प्रोसेसर है और प्रोसेसर के नियर बाय जो और प्रोसेसर उनसे कैसी अच्छी परफॉर्मेंस है या डाउन में है। तीसरी बात करता हूं तो रैम कितनी है और स्टोरेज कितनी है। रैम और स्टोरेज के भी अलग अलग वेरिएंट्स अंदर आ जाते हैं। कैमरे की अगर बात करते हैं तो कैमरा कैसा है, कितने मेगापिक्सल का है, डेप्थ सेंसिंग कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसे आने वाली है, सेंसर उसमें कैसा लगा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कि बैटरी बैकअप कैसा है, बैटरी के साथ अगर बात करते हैं तो चार्जिंग कैसी है, चार्जिंग कितने देर में चार्ज करके देगी, क्योंकि फास्ट चार्जिंग के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन आज की तारीख में अवेलेबल है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के फीचर्स उस फोन के अंदर कैसे हैं, एक्स्ट्रा क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं उस फोन के अंदर, और प्राइस जो है वो क्या उस डिवाइस को जस्टिफाई करता है। तो इतने सारी चीज़ों को देखने के बाद हम एक डिवाइस का एंड में निकालेंगे जो रिजल्ट है वो कैसा निकल के आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आएगी। मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन द चैनल विद द वाई फैक्टर। आज जिस फोन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सैमसंग का M30। दोस्तों सैमसंग का जो M30 फोन है वो सैमसंग एक्जिनोस प्रोसेसर के साथ आता है। 7904 की ये सीरीज है जो कि ट्रिपल कैमरा को सपोर्ट करती है, इसलिए इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही ये LPDDR4 की रैम को भी सपोर्ट करती है जो कि काफ़ी फास्ट होती है इस सेगमेंट के अंदर, उसको भी सपोर्ट करती है, तो वो भी इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ये 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में बना हुआ CPU है जिसके अंदर कोर्टेक्स A73 आपको देखने को मिलेगा। साथ ही माली का जो है GPU आपको देखने को मिलेगा G71 का। और अगर कंपेयर करते हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ या फिर मीडियाटेक के P60 के साथ, मतलब 632, 636 और हीलियो P60, तो तीनों से अगर बात करते हैं तो जो मुकाबला है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से और कैमरा के हिसाब से या LPDDR4 की जो रैम है जिसको सपोर्ट करता है उसके हिसाब से कहीं पर सैमसंग का जो प्रोसेसर है वो बाजी मार लेता है, कहीं पर जो है P60 की अगर बात करते हैं तो वो बाजी मार लेता है, कहीं पर 632, 636 जो है वो बाजी मार लेता है। बात करते हैं अगर परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब गेमिंग के बारे में, तो डेफिनेटली जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है या फिर जो हीलियो P60 है वो इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो वहाँ पर सैमसंग का प्रोसेसर जो है वो थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। दूसरी अगर बात करते हैं कैमरा सपोर्ट की या LPDDR4 रैम की सपोर्ट की, तो वहाँ पर सैमसंग का प्रोसेसर थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो ऐसे में अगर आप गेमिंग मोबाइल लेना चाहते हैं, मतलब गेमिंग का आपका ज़्यादा फोकस है गेमिंग की तरफ, तो वहाँ पर आपको जो GPU सपोर्ट है वो स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर के अंदर ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, उसके लिए आप जा सकते हैं सैमसंग M30 के लिए। बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले जो है इसके अंदर आपको M30 में 6.4 इंचेस का सुपर AMOLED डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। अब सुपर AMOLED डिस्प्ले जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, रीज़न ये है, मतलब AMOLED डिस्प्ले से भी काफ़ी अच्छा होता है। पहली बात तो जो LCD पैनल आपके आते हैं काफ़ी सारे फ़ोन्स के अंदर, उसके मुकाबले काफ़ी विविड आपको, मतलब पिक्चर्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, एनर्जी कंजप्शन भी काफ़ी कम करता है, तो LCD के मुकाबले डेफिनेटली अ विन विन सिचुएशन फॉर सुपर AMOLED डिस्प्ले। तो वहाँ पर सैमसंग M30 जो है वो बाजी मार के ले जाता है बाकी सारे फ़ोन से जिनके पास ये IPS डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले जो इनके पास होता है। तो डेफिनेटली सैमसंग का जो डिस्प्ले है दैट इज़ मच बेटर देन एनी अदर फोन अवेलेबल करंटली इन द मार्केट। बाकी अगर कैमरे की बात करते हैं तो M30 के अंदर आपको बैक में 3 कैमरा मिल जाएगा, 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। एक 5 मेगापिक्सल आपका अल्ट्रा वाइड लेंस है, तो हमारी ह्यूमन आइज जितना देख सकती है उतना वो कैप्चर कर सकता है।
ये वाकई में काफी अच्छा फीचर है, क्योंकि कई बार हम ऐसी जगह पे होते हैं जहां पर हमारे को वाइड एंगल लेंस की जरूरत पड़ती है, हमारे को काफी मतलब एक जैसे हम रूम के अंदर हैं, कुछ पार्टी चल रही है, तो काफी अच्छा वाइड एंगल के अंदर ये पिक्चर को जो है कैप्चर कर लेता है। बाकी एक आपका लाइव फोकस के लिए मिलेगा, और एक अगर 13 मेगापिक्सल की बात करते हैं तो f1.9 के अपार्चर के अंदर है, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको लो लाइट के अंदर भी अच्छी खासी इमेजेस देखने को मिल जाएगी। दोस्तों काफ़ी सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि फला में कैमरा अच्छा है, ढिमकान में कैमरा अच्छा है, लेकिन ये परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में जो डिस्प्ले है सैमसंग का वो काफ़ी अच्छा है, कैमरा क्वालिटी हमेशा से अच्छी रही है, तो ये चीज़ तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको डिस्प्ले और कैमरा दोनों काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। प्रोसेसर की तो मैंने आपको बता ही दी थी। बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की जो है बैटरी मिल जाती है, साथ ही आपको 15 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और टाइप सी का आपको USB केबल मतलब USB आपको चार्जर मिलता है। तो USB पोर्ट सी का होना और 15 वॉट की चार्जिंग का होना और 5000 mAh की बैटरी का होना, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इस फ़ोन को एज देती हैं अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। चलता फिरता एक पावर बैंक है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो हैं अभी काफ़ी एडवांटेज में M30 के जा रही हैं। तो अगर आप एक अच्छा फ़ोन देख रहे हैं तो डेफिनेटली अभी तो करेंटली मिड सेगमेंट में आपको काफ़ी अच्छा ये डिवाइस देखने को मिल सकता है। अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों के दोनों आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो फास्ट फेस अनलॉक इन्होंने बताया है और फास्ट काफ़ी फास्ट इसका जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो दोनों चीज़ों के अंदर आपको फीचर मिलने वाले हैं। तो सेफ्टी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में मैं इसे बिग थम्स अप देता हूं, दोनों चीज़ें अच्छी खासी इन्होंने M30 के अंदर डाल दी है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इसके अंदर आपको एक्सेलेरोमीटर आपको मिल जाएगा, जायरोस्कोप सेंसर इसके अंदर आपको मिल जाएगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जियोमैग्नेटिक सेंसर मिल जाएगा, वर्चुअल लाइट सेंसर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एंड में बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला जो मॉडल है वो आपको 14,999 रुपीज़ का मिल जाएगा, मतलब 14,999 रुपये का, और 6GB रैम और 128GB वाला जो मॉडल है वो आपको 17,999 रुपये का मिल जाएगा। मेरा वर्डिक्ट इस फ़ोन को लेके ये है कि अगर ये फ़ोन 1,000 रुपये और सस्ता होता तो डेफिनेटली Redmi Note 7 Pro को अच्छा खासा कंपटीशन दे सकता था। हालांकि Redmi Note 7 की अपनी कुछ एक या दो ऐसी एडवांटेज है, खासकर जो 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो, और एक दो चीज़ें मैं ऐसे एडवांस में बताऊंगा, उनकी जो प्रोसेसर है जो कि मैं दूसरे वीडियो के अंदर बताऊंगा, डेफिनेटली उसका पूरा देखिएगा और इसे कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा। अदरवाइज अगर आप सैमसंग का ब्रांड लेना चाहते हैं तो M30 इज़ अ गुड वर्जन, जो आप 14,999 वाले वर्जन के लिए जा सकते हैं, 4GB रैम और 64GB वाले वेरियंट के लिए। तो एंड ऑफ द डे अगर मैं बात बताता हूँ पूरा का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन का प्राइस 1,000 रुपये के आसपास नीचे होना चाहिए था, और बाकी सैमसंग ब्रांड है तो डेफिनेटली इन्होंने थोड़ा सा प्राइस अपना बढ़ा दिया है 14,999 रुपये। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी इसका प्राइस 1,000 रुपये करीब नीचे आएगा, और ये एक वर्थ बाय है, डेफिनेटली आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इसके अंदर आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलेगा, तो आप HD कंटेंट इसके अंदर चला सकते हैं। पोको F1 के अंदर ये थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो आजकल हर एक फ़ोन जो कंपनी आती है वो ज़्यादातर ये फोकस करने की कोशिश करते हैं कि ये कंटेंट हमारे में चल सकता है। नॉर्मली लगभग सभी फ़ोनों के अंदर चलता है। पोको F1 ने वाइड वाइन जो है L3 का मॉडल ले लिया था, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया था, बट होपफुली पोको F2 आएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर वो चीज़ को वो ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। तो बस ये थी अभी इस वीडियो के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी ही।